और आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड और आज थैंक यू ऊपर वाला के करते हुए कि आज मौका मिला, आज एक बढ़िया सा डिस्कशन करना है। क्या किसके बारे में डिस्कशन करना है? मेरे बारे में तो प्रभी रॉय सर ने बता दिया है, मैं इस वेस्टी सिस्टम में डायमंड डायरेक्टर हूँ। ये वजह नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, सीखते सीखते मेरा ये वेस्टीज प्लेटफॉर्म आज पैरल बिजनेस है। मैं ट्रेडिशनल फुटवेयर में बिजनेस करता हूँ और पैरेलली वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। क्या है ये और मैं क्या आज बताने वाला हूँ और क्या मैं डिस्क करने वाला हूँ, जरा देख लेते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हो कि आपका फैमिली का हेल्थ लेके डिस्कशन हो, आपका फैमिली का हेल्थ स्ट्रांग बने, आपका जो फैमिली का एक्सपेंडिचर है वो सही तरीके से हो, सही चीज में खर्च हो और ये कम हो जाए धीरे धीरे, खाली कम ना हो। ये खर्चा जो है आपका परिवार को दूसरा और एक इनकम का रास्ता दे। जो खर्चा सही खर्चा होगा, कम होता जाएगा खर्चा, और वो खर्चा आपका परिवार को दूसरा एक इनकम दे और आपका एक गुड एसोसिएशन देंगे आज कि इसमें आपका जिंदगी देखिए, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप, जैसा मान लीजिए जैसा आपका एसोसिएशन है वैसे ही आपका जिंदगी है। कहता है ना कि आप अगर अच्छा आदमी से मिलते रहिएगा तो आप अच्छा आदमी बन पाइएगा। अमीर बनना है तो अमीर से मिलना है, सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल आदमी से मिलना है। तो ये एसोसिएशन भी देंगे कि जो एसोसिएशन आपका फैमिली का हेल्थ स्ट्रॉन्ग करें, एक्सपेंडिचर को सही करे और धीरे धीरे कम कर दें। इस एक्सपेंडिचर को ऐसा ढंग से करें कि एक दूसरा इनकम आ जाए, ऐसा गुड एसोसिएशन देने वाले हैं क्या? हाँ, एक सवाल आता है, क्या आप कर सकते हैं? हाँ, यू कैन डू। एक छोटा सा 1 घंटे का प्रेजेंटेशन में आपको बता देंगे आप कितना पावरफुल हैं और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, परिवार में हम लोग जो भी काम करते हैं, परिवार का सदस्य जो भी काम करता है उसमें से इनकम आता है। इनकम का एक हिस्सा हम लोग सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए और बाकी का पूरा एक्सपेंडिचर कर देते हैं। किसी किसी का तो एक्सपेंडिचर इतना हो जाता है कि इतना आमदनी ऐसा है कि सेविंग हो नहीं पाता, मगर जो सेविंग करता है, सेविंग से एक छोटा सा इनकम आता है, हम देख पाते हैं। इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, मगर एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर हमारा जो है, देखिए जो भी कुछ चाहिए जरूरत का, हम वहीं पे कस्टमर हैं। एक पेस्ट चाहिए, एक साबुन चाहिए, एक कपड़ा चाहिए, जो भी चाहिए आप कस्टमर हैं। जाके दुकान में अपना पैसा दिया, खर्च आपका सामान मिल गया बस। मगर देखिए, वो खर्चा जो हमारा महीने का, साल भर का खर्चा जो दुकान में देते हैं, जिंदगी भर का खर्चा दुकान में देते हैं, वहीं से दुकानदार कमाता है, क्योंकि वो चीज दुकानदार बनाता नहीं है, है ना? वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर इसमें से मुनाफा लेता है, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो मुनाफा लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है CNF कैरी एंड फॉरवर्ड सेक्टर के पास, वो मुनाफा लेता है और वो जाता है कंपनी के पास। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, CNF को दिया, माने कंपनी हमारा देश में बना, वो स्टेट वाइज CNF को दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया, फिर होलसेलर एरिया वाइज दिया और होलसेलर रिटेलर को दे दिया, जो शॉप ओनर है उनको दे दिया, वो एकदम हमारे बगल में। ऐसे प्रोडक्ट आता है। और खाली ये नहीं, प्रोडक्ट जो बनता है इसके विज्ञापन से हमको पता चलता है ना मार्केट में कैसा प्रोडक्ट है? तो उसके लिए विज्ञापन जो बनाता है मॉडल, उसको पैसा मिलता है। एड एजेंसी जो विज्ञापन बनाता है उसको पैसा मिलता है। मीडिया जहां पे देखते हैं वो भी पैसा लेता है। सेल्स एंड प्रमोशन टीम, होर्डिंग, बैनर, सेल्स को प्रमोट करने वाला काम, वो भी पैसा लेता है। और मार्केटिंग टीम जो कंपनी से CNA डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल शॉपों के दुकानदार के पास जाएगा ना, ये देखने वाला काम करता है मार्केटिंग टीम। सब मिलके ये हमारा जो खर्चा है ना, ऐसा बांट जाता है। हम लोग खर्च करते हैं 100%, माने हमारा पूरा खर्चा 40% उसमें से कंपनी लेता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रॉफिट, और 60% यह खर्च हो जाता है और हम लोग ये पूरा खर्चा कर देते हैं।
ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर चला जाता है। आपको एक मिसाल देते हैं खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप गूगल करके देखिएगा एडवर्टाइजमेंट को, ये पिछले साल का है 2020, 578 बिलियन यूएस डॉलर। माने वो अगर हमारा इंडियन रुपीस में लाया जाए 578, एक डॉलर का 75 एवरेज, और एक बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, तो आता है 43,35,000 करोड़ खाली विज्ञापन। इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स मिला खाली, माने लीगल एडवर्टाइजमेंट हुआ है, समझ ले 43,35,000 करोड़ खाली एडवर्टाइजमेंट। माना जाता है ये 60% जो एक्सपेंडिचर बीच में जाता है ना, इसका खाली 10% ये हिसाब है। इसके 6 से गुना कर लीजिए कितना अमाउंट ऐसे बांट जाता है, हमारा ही मेहनत का पैसा जो एक्सपेंडिचर करते हैं। ये ट्रेडिशनली हमारा दादा परदादा पिताजी और मैं भी करते आए। आज से 4 साल पहले मुझे एक मौका मिला और मेरे जरिए बहुत सारे को मौका दिया, क्या डायरेक्ट मार्केट का बीज वाला हिस्सा नहीं रहेगा, कस्टमर और कंपनी, आज जो कंपनी के बारे में बोलेंगे वेस्टीज, ये पास आ जाएगा, बीज में कोई नहीं रहेगा, 60% हमारे पास ही आ जाएगा। और ये क्या किया मैंने, मेरा पैसा बचाया और मैं बांट दिया। तो ये मौका मेरे जरिए आप सबको मिल रहा है, जो नए हैं उनके लिए बोल रहे हैं, बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। हमारा एक्सपेंडिचर का 60% आप परिवार के हिसाब कर लीजिए, जितना खर्च करते हैं उसका 60% खर्चा बच सकता है, और खाली आप नहीं बचा सकते, आपके जरिए बहुत सारा परिवार जो आपसे जुड़े हुए हैं सबका पैसा बचा सकते हैं। कहां कंपनी के बारे में बताएंगे ना, यहाँ डायरेक्ट बाजार तो ठीक है, तो वेस्टीज क्या है, ये वेस्टीज इसके बारे में बताएंगे। हमारा एमडी गौतम बाली सर 35 साल से ऊपर इनका तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग में, जिनका एक्सपीरियंस के जरिए आज हम लोग इस सफलता की सीढ़ी में चढ़े हैं। क्यों, इनका एक्सपीरियंस के जरिए जो बना कंपनी का 4 पिलर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, अब क्या अच्छा हुआ, पिछला कैसा अच्छा हुआ, ये नहीं, आने वाला दिन में और क्या अच्छा होने वाला है उसका। 2021-22 शुरू हुआ है, 25 का प्लानिंग है, 30 का प्लानिंग है, क्या बड़ा होने वाला है। और इनके साथ डेडिकेटेड टीम है, क्या खाली आगे कंपनी नहीं बढ़ेगा, कंपनी कैसे बढ़ेगा, हम लोगों को लेते हुए आगे बढ़ेगा, इसके लिए पूरा टीम डेडिकेटेड है। और नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आज है कल वो बेहतर बनेगा, कभी वो खराब नहीं बनेगा, और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनता जाएगा आप हमारे दिनचर्या के लिए। और इंडीड गियर्ड अप मतलब ऑटो गियर्ड, आप कल ही एक गाड़ी में बैठे हो, ऑटो गियर में डाल दिए हो और आप एक्सीलेटर दबाते चलिए, गाड़ी आपका स्पीड लेता जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट है। और उनके साथ है दीपक सूद सर बाएं में जो है ऑपरेशन डायरेक्टर, और दाएं में है कन्वर बीर सिंह सर आईटी डायरेक्टर। ये तीनों का मेल बंधन ने इस कंपनी हिंदुस्तान का नंबर 1 और वर्ल्ड रैंकिंग में 36 रैंक कर दिया, हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी बना। क्यों, तीनों का एक्सपीरियंस और सही चाहत। कैसा देखिए, 2004 में दो ऑफिस, 2004 शुरू हुआ था 2 जून को, दो ऑफिस दिल्ली और बेंगलोर में, 6 डिस्ट्रीब्यूटर 10 प्रोडक्ट लेके, आज 48 रीजनल ऑफिसेस है, 3,000+ ब्रांच ऑफिस है, और जो 6 डिस्ट्रीब्यूटर था वो 2 करोड़+ डिस्ट्रीब्यूटर है। जो आपका प्रोडक्ट 10 था ना, खुद का बनाया हुआ 350+ प्रोडक्ट है, और जो खुद बनाता नहीं है मगर हम लोगों को जरूरत है वैसा प्रोडक्ट, और एक अम्ब्रेला का अंदर मैंने उनके साथ बेस्ट डील किया हुआ है हमारा जरूरत पूरा करने के लिए। और खाली हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान में तो नंबर 1 है, फिर भी साथ साथ यूएई, नेपाल, बहरीन, दुबई, ओमान, कतार, बांग्लादेश, घाना, थाईलैंड, इन देशों में भी फैल गया है। माने पहला हिंदुस्तानी कंपनी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है। और क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट देखें तो 5 करोड़ से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते
वो 2700 करोड़ प्लस हो गया है, 70% ग्रोथ रेट है। कंपनी के पास हर तरह का सर्टिफाइड है, कैसा, हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड ऑफ एक्सेलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट। गौतम बाली सर वॉज अवार्डेड बेस्ट सीईओ 2012, मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड ऑफ एंड लीडर्स ऑफ एशिया, बहुत सारा ये आप देखिएगा तो गूगल में अवेलेबल है। क्या करना है वेस्टिज में, आप क्या करेंगे भाई, ट्रेडिशनल मार्केट छोड़ के जैसे चलते आ रहे वैसा छोड़ के हम डायरेक्ट कहां, डायरेक्ट बाजार में आ गए, डायरेक्ट मार्केट में आ गए, कहां आ गए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये क्या करता है, खाली वहां जहां दुकान था इस दुकान को बदल के आपका शॉपिंग एनहांस कर लीजिए। इसके लिए कुछ खर्चा नहीं है, खाली एक एक फॉर्म फिलअप करना है जिसमें आप चाहते हैं कि हाँ मैं वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ KYC नो योर कस्टमर अपलोड कर दीजिए, हाँ आप वही व्यक्ति हैं। तो आप वेस्टिज में आ गए, क्या हुआ, वेस्टिज में आके डायरेक्ट कंपनी में आ गए, पहले दिन से 10-20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन MRP, एवरेज कर देते 15% डिस्काउंट मिलेगा। दुकान में ऐसा होता नहीं है क्योंकि दुकानदार का प्रॉफिट है, जो पैसा 15% डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा आप दे रहे हैं ना उसके ऊपर 5% शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते 11% आपका कैशबैक आएगा। अरे खर्चा किया, फिर खर्चे से अब तक तो क्या क्या था दुकान में, इतने खर्चा किया तो खर्चा हो गया, अभी खर्चे से पैसा वापस आपके अकाउंट में आएगा। मिनिमम 5% पकड़ लेते हैं, दुकान से तो वापस आता नहीं है ना। 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा जो भी खरीदते हैं। मान लीजिए आप 2000 का सामान खरीदते हैं तो जिस 2000 का सामान के ऊपर 200 रुपए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। 2 से 18 तारीख तक जितना प्रोडक्ट आप लेते हैं आपका जितना बिल होता है 10% आपको फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है। तो इसका 10% पकड़ लेते हैं, दुकान में ऐसा होता है, 3000 का सामान लिया 300 रुपए का प्रोडक्ट दिया, हुआ नहीं। और एक अभी तक देखिए 3 पॉइंट तक, ये आपका मर्जी, कंपनी ने एक मर्जी दिया वो भी हमारे फायदे के लिए। क्या फायदा, 3000+ का सामान आप लगातार 4 महीना खरीदिए, माने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो मई महीना का आपका 2500 का सामान फ्री है। हुआ है अभी तक ऐसा, अगर छोटा परिवार है 1800+ का प्रोडक्ट खरीदे 4 महीना तो 1250 रुपए का प्रोडक्ट आपका फ्री है। माने 4 महीना आप बाजार कीजिए, 5वां महीना फ्री में, खाली आपका प्रोडक्ट का लिस्ट दीजिए और पैसा मत दीजिए। ऐसा होता है क्या, ये 20% होता है। क्यों, 4 महीना आप 3000 करके खरीदते हैं ना, तो 4 महीना बाद आपको 2500 का मिलता है, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 625 आता है। तो 625 रुपए अगर महीना आपको मिलता है खरीद रहे हैं 3000+, तो आपका 20% हुआ ना, जो होता नहीं है। तो कुल मिला लीजिए 50% आपका खर्चा बच जाएगा, जो पहले बोला था मिनिमाइज योर एक्सपेंडिचर, राइट। अब एक सवाल आएगा, भाई 50% डिस्काउंट ऐसा तो नहीं है कि दाम ज्यादा करके डिस्काउंट करके बेच दिया, नहीं, प्रोडक्ट का प्राइस अकॉर्डिंग टू मास मार्केट, माने मास माने क्लास पीपल, 5% छोड़ के जो 95% पीपल हम लोग हैं, हमारा पॉकेट साइज के हिसाब से उसके ऊपर 50% डिस्काउंट कीजिएगा, ये बाजार का हिसाब का है। और एक सवाल आएगा, बाजार का दाम क्वालिटी कैसा होगा, भैया क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। क्यों वर्ल्ड क्लास, क्योंकि इसका सर्टिफाइड है, हर प्रोडक्ट GMP सर्टिफाइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कौन दे रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हर प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, हलाल माने पवित्र, पवित्र का सर्टिफिकेट देता है दुबई गवर्नमेंट, और जापान हेल्थ एंड फूड एसोसिएशन का सर्टिफाइड है। ये क्या है, यूरोपियन कंट्री में आपको प्रोडक्ट लेके जाना है तो JHFA सर्टिफाइड छोड़ के आप लेके जा नहीं सकते। तो यूरोपियन कंट्री हुआ, हलाल मुस्लिम कंट्री के लिए हुआ, बाकी जाए वर्ल्ड वाइड GMP। तो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बाजार का दाम और ये डिस्काउंट में मिलेगा। इसके बावजूद अगर पसंद ना आए तो आप बाईबैक कर लीजिए, 20% तक यूज कीजिए करके, अगर सामान अच्छा नहीं लगा तो कौन सा सामान जो आपका
जरूरत का है, परिवार चलाने के लिए जो जो जरूरत है सुबह से लेके शाम तक जो जो जरूरत है उस जरूरत का सामान। बाजार से एक साबुन लाए, यूज किए, अच्छा नहीं लगा तो अब वापस कीजिएगा, हो सकता है क्या? नहीं। मगर यहाँ 20% तक एक हफ्ता यूज कीजिए, उसके बाद अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर लीजिए, जो बाजार में होता नहीं है। ऐसा कौन सा सामान मिलेगा 350 प्लस वेस्टेज खुद बनाया हुआ और 5000 प्लस वेस्टेज जो बनाता है ना, जैसे वेस्टेज चावल नहीं बनाता, चावल लेना है तो वेस्टेज बेस्ड डील, वहीं से बिजनेस आएगा। नमक वेस्टेज नहीं बनाता मगर नमक खरीदेगा, उसमें से भी आपका पैसा बचेगा और आमदनी आएगा। कैसे? वो आगे लेके जाएंगे। 50% डिस्काउंट किस किस प्रोडक्ट पे, कैसा प्रोडक्ट, हाँ वर्ल्ड क्लास है, कैसा प्रोडक्ट पे मिलेगा? देखिए कैसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आप। आज से 11 साल पहले, आज तो हम कोरोना कोरोना एयर पॉल्यूशन लेके दौड़ भाग कर रहे हैं, आज से 11 साल पहले हमारे कंपनी क्यों हिंदुस्तान का नंबर वन है और वर्ल्ड रैंकिंग में आया, क्योंकि आज से 11 साल पहले उन्होंने सोचा कि एयर पॉल्यूटेड हो रहा है, एयर की इंफेक्शियस डिजीज बढ़ेगा, इसके लिए लाया एयर प्यूरिफायर। अच्छा वेस्टीज का एयर प्यूरिफायर क्यों ले, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड रैंकिंग का नंबर वन ग्रेड का एयर प्यूरिफायर है। क्या इसमें हेपा टेक्नोलॉजी, हाई एफिशिएंट पार्टिकल अरेस्टर, छोटा से छोटा डस्ट पार्टिकल को अरेस्ट कर सकता है। इसमें से जो एयर निकलता है वो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, मतलब एयर लाके जो उसमें से एयर निकल जाता है वो क्या है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। क्या है ये? जैसे नेचर में होता है ना पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन जो निकलता है नेचर में, वैसा एयर यहीं से फैलेगा। सोच लीजिए कैसा एयर प्यूरिफायर है, इसमें से एक ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट खरीदेगा और डिस्काउंट मिलता जाएगा। और उसके बाद वाटर प्यूरिफायर, ये हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का नंबर वन है, क्योंकि वर्ल्ड रुका हुआ है आरओ फिल्ट्रेशन तक। वेस्टीज आरओ के बाद नैनो टेक्नोलॉजी लाया, एएफ डिसरप्टर, जो आरओ से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, जो बैक्टीरिया जर्म्स वायरस निकल जाएगा उसको अरेस्ट कर सकता है। माने इसमें से निकला हुआ हर एक ग्लास पानी आपका 100% बायोलॉजिकली अवेलेबल, माने आपका शरीर का जो सेल है वो एक्सेप्ट करेगा। और कैसा? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट 100%, ये सब प्रोडक्ट खरीदिएगा। कैसा? स्पाइरुलिना, आप गूगल करके देखिएगा स्पाइरुलिना कितना महत्व रखता है हमारा हेल्थ के लिए। क्या है स्पाइरुलिना? इसके ऊपर जो रिसर्च है कछुए के ऊपर, एक मंद बुद्धि जानवर के ऊपर रिसर्च करके देखा गया है, वो समुंदर वाला कछुआ जो है 400-500 साल जीता है। कैसे जीता है? तो उनके ऊपर रिसर्च करके देखा गया है कि समुंदर के नीचे एक एल्गी होता है, एल्गी खाता है, एल्गी का नाम वो स्प्रिंग की तरह दिखता है इसलिए उसका नाम है स्पाइरल, तो स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना देखा गया है उसके अंदर क्या है, कछुआ ये खाता है उसकी जिंदगी में बदलाव आया कि न्यूट्रिशन में भरपूर है। एक स्पाइरुलिना में 13 विटामिन है, 13 मिनरल है, 3 नेचुरल पिगमेंट, 4 नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट, 8 नेचुरल कैरोटेनॉइड, 18 एसेंशियल अमीनो एसिड विद प्रोटीन। क्या करता है ये? आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। कोरोना आते ही हम लोगों को पता चल गया ना इम्यून सिस्टम क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता ये बढ़ा देता है क्योंकि न्यूट्रिशन में भरपूर है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देता है और हेल्प टू एनहेंस नेचुरल क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्यों डिटॉक्सिफाई करता है? क्योंकि रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जितना सारा जहर होता है जहर को निकल देता है। 1 ग्राम स्पाइरुलिना का पावर देखिए, इतना सारा खाना जो दिन भर हम लोग तंदुरुस्त रहने के लिए खाते हैं, जो कमी आता है न्यूट्रिशन में, 1 ग्राम स्पाइरुलिना पूरा कर सकता है। ये प्रोडक्ट खरीदिएगा वो भी इसके ऊपर एमआरपी कितना है, 412 रुपया 100 कैप्सूल, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल। कैप्सूल बोले तो क्या है, इसके अंदर वही स्पाइरुलिना, कोई एसेंस वेसेंस नहीं, वही स्पाइरुलिना को डस्ट करके इसके अंदर रखा गया है। ये केमिकली
तैयार किया गया नहीं है। स्पाइरुलिना जो समुद्र के नीचे वाला एल्गी, उसको डस्ट करके इसके अंदर, जैसे आप बाजार में सब्जी लाते हैं वैसे ही सब्जी खाना के रूप में इसके अंदर भरा गया है। वो मांस खाना कितना है 1 ग्राम, तो 2 कैप्सूल लेना है, 500 मिलीग्राम का एक एक कैप्सूल है ना, तो दाम कितना है 412 रुपया। 100 कैप्सूल रहता है तो 2 कैप्सूल का दाम कितना हुआ 8 रुपए 24 पैसा। मगर 50% डिस्काउंट कर लीजिए क्योंकि आप तो खरीद रहे हैं डायरेक्ट कंपनी से, दुकान से नहीं, कंपनी से खरीद रहे हैं, तो पैसा आपका आधा बचेगा, तो आ जाएगा 4 रुपए 12 पैसा। जिस पैसे में एक कप चाय भी नहीं मिलता, उस पैसे में आपका दिन का न्यूट्रिशन पूरा हो। इसीलिए ये एसोसिएशन आपका स्ट्रॉन्ग हेल्थ के बारे में बात करता है। और एक बढ़िया बात बताएंगे, आप चारों तरफ देख लीजिए हार्ट अटैक सेरिब्रल स्ट्रोक लगा हुआ है। कैसे? हमारा हार्ट 96 किलोमीटर पर आवर पंप करता जा रहा है, हमारा हार्ट 96 किलोमीटर पर आवर पंप करता जा रहा है। और ये खून कहाँ जाता है? खून के जरिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हर सेल में पहुंचता है ना, तो जाने वाला रास्ता है आर्टरी और वेन। मगर आर्टरी में जाते हुए ये देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, इसमें से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जम के ऐसा दाएं वाला जो है ऐसा ब्लॉक हो जाता है जो हम दिखा रहे हैं ना। तो ये तो पंप करता जा रहा है हार्ट, और जाना है वहीं से खून, और तो कहीं से जा नहीं पाएगा। वहां ब्लॉक अगर रहा तो आर्टरी, मान लीजिए हार्ट में ब्लॉक रहा तो यहां फटा तो हार्ट अटैक, और सिर में फटा तो सेरिब्रल स्ट्रोक। ये क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लॉक हो गया एक्सेस ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेके। मगर इससे पहले तो इतना हार्ट अटैक नहीं था क्योंकि खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड था, अभी नहीं है। तो वेस्टेज क्या किया? फ्लैक्स ऑयल, तीसी का तेल, मसीना ऑयल, उसका एक्सट्रैक्ट, खाली फ्लैक्स ऑयल इसमें भरा नहीं है, उसका एक्सट्रैक्ट ट्यूब में भरा हुआ है जिसमें मैक्सिमम आपको ओमेगा 3 मिले। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करेगा? वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा, एलडीएल एचडीएल का बैलेंस मेंटेन कर देगा, तो जिंदगी भर हार्ट अटैक सेरिब्रल स्ट्रोक नहीं होगा। ऐसा मार्वेलस प्रोडक्ट खरीदिएगा, और बहुत सारा प्रोडक्ट है। दिन हर दिन जो प्रोडक्ट लगता है, सुबह उठ के आपको पेस्ट चाहिए, सुबह उठ के पेस्ट चाहिए, पेस्ट 75 रुपए एमआरपी है, बाजार में लगभग 60 रुपए को मिलता है, मगर एमआरपी 75 रुपए, आप डिस्काउंट कितना कीजिएगा? 50%, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट का दाम 38 रुपए में आ जाएगा। और कैसा प्रोडक्ट आएगा घर में? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। कैसा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है? इसमें इंसान को नुकसान देने वाला कोई भी केमिकल इसमें नहीं है, इंसान को नुकसान देने वाला कोई भी केमिकल इसमें नहीं है, आपका परिवार को ओरल केयर कर देगा। एक साबुन, अच्छा इससे पहले हम लोग साबुन क्या देख के खरीदते हैं? मेरा अपलाइन अनिब्रो तो मजुमदार ने पूछा था तू साबुन क्या है, हम बोले विज्ञापन देख के, माधुरी दीक्षित है ना, तो जिनको देखते हैं देख के साबुन खरीदते हैं, और तो जरिया नहीं था। मगर पहले वेस्टेज में आया इस गुड एसोसिएशन जो बात कर रहे थे शुरू में, इस एसोसिएशन पहले मुझे बताया कि साबुन खरीदना है टीएफएम रेट देख के, टोटल फैटी मैटर अगर 75% प्लस हो तो वो ग्रेड 1 होता है, ठीक है। तो ये पता ही नहीं था, पहले बार पता चला कि साबुन खरीदना है टीएफएम रेट देख के, ये एसोसिएशन आपको बताएगा, और वो भी 52 रुपए एमआरपीआर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट करने के बाद, अगर 4 महीना लगातार खरीदते 26 रुपए में, बाजार में इससे ज्यादा ही मिलता है आपको। और एक मार्वेलस प्रोडक्ट में बारे में बताएंगे जो सोच ही नहीं था किसी का, डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं बाहर वाला, इससे पहले वेस्टेज में आने से पहले जो बार वाला यूज करते थे, उसमें क्या है, वो साफ कपड़ा साफ करने के बाद वो अगर पानी किसी पेड़ पौधों में दे दीजिएगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा। मगर आपको बताते हैं ये प्रोडक्ट जो है ना, ये ऑक्सीजन थेरेपी, माने ये अगर पानी में आता है जब H2O के साथ मिलता है तो ये ऑक्सीजन पैदा होता है। इसका साफ करने का तरीका क्या है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा,
बोलिए कितना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। खाली कपड़ा को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, परिवेश को भी नहीं पहुंचाएगा। ऐसा प्रोडक्ट 165 रुपए एमआरपी है, आपको 83 में मिलेगा। और लगेगा कितना आपको बता देते हैं, अब तक जितना यूज करते थे बाहर वाला प्रोडक्ट उसका 1/4 लीजिए। 10 लीटर पानी में जितना कपड़ा भिगा सकते, खाली एक चम्मच, वो भी टीस्पून टेबलस्पून नहीं। बोलिए परिवार का खर्चा कम होगा कि नहीं होगा, आपका परिवार का हेल्थ उन्नति होगा कि नहीं होगा। डेली मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर क्या है, ये स्किन का खाना है। बाजार में 99.99% ऑयल बेस है, और ऑयल बेस होने के लिए क्या प्रॉब्लम आता है कि स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हमारा डेली मॉइस्चराइजर क्या है, एश्योर डेली मॉइस्चराइजर, ये वाटर बेस है, ये स्किन खाना खा सकता है। कैसे, वाटर बेस है तो स्किन एब्जॉर्ब करेगा, और उसको भी अगर 50% डिस्काउंट कर लेते हैं 145 रुपए में आ जाता है। इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट मिलेगा। चाय पत्ती, सोचा ही नहीं था, चाय हम लोग क्या है उसका फ्लेवर और टेस्ट के लिए पीते थे, मगर चाय पत्ती में रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। खाली चार कप पानी उबालिए, उसके अंदर एक चम्मच ये हमारा जीटा स्पेशल टी दे दीजिए, जो लिकर निकलता है एक कप ले लीजिए, एक कप लिकर में जितना एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा वो 4 ग्लास ऑरेंज जूस के बराबर है। माने 4 ग्लास ऑरेंज जूस में जितना आपका एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा वो उतना खाली एक कप चाय में मिल सकता है। इतना इतना बढ़िया, और वो भी देखिए बाजार का है, बाजार का दाम से कर लीजिए एवरेज का, तो आपको पता है ये बहुत बहुत पुराना 120, अभी तो 120 कोई चाय नहीं है स्टैंडर्ड चाय, मगर 180 रुपए का हमारा एमआरपी 90 रुपए में मिल जाता है। राइस ब्रैन ऑयल बहुत दाम है ना, एमआरपी है 540 दो लीटर का, एक लीटर का 270 रुपया, 50% डिस्काउंट कर लीजिए, आपका परचेस बेनिफिट 135 पैसा बचा। और बताते हैं क्या होगा आपका परिवार का। बाजार का तेल 99% तेल 90 से 130 डिग्री टेम्परेचर में जल जाता है। गैस में हम लोग अगर खाना पकाते हैं ना तो 90 से 130 में जल जाता है, और जला हुआ तेल आधा तो चला गया, और आधा जला हुआ तेल क्या करता है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जाके पेट में ऐसा नुकसान पहुंचाता है कि कम से कम 26 तरह का बीमारी आता है। मगर वेस्टेज राइस ब्रैन ऑयल ये जलता नहीं, स्मोक पॉइंट बहुत हाई है 418 डिग्री से फरनहाइट, तो इसके लिए क्या गैस बर्नर में इतना होता नहीं है, इतना टेम्परेचर आता नहीं है, जलता नहीं है, लगता है आधा। तो 135 एक लीटर का दाम आया ना, ये 2 लीटर का काम करेगा, क्योंकि खाना पकाते टाइम आधा ही देना है। परिवार अच्छा रहा, खर्च कम हुआ, इसको बांटिए। आपका अगर अच्छा लगा, ऊपर वाला के दुआ से अच्छा लगेगा, उसके बाद इसको बांट दीजिए, तो 10 तरह का इनकम आपके घर में आएगा, 10 तरह का इनकम आपके घर में आएगा। ये मौका आपको मिला, ये मौका आप परिवार को बचा लिए हैं, और परिवार बचा ये बात नहीं है, इसको बांटने से और बेहतर जिंदगी आने वाला है। 10 तरह का इनकम जो बोला था आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम परिवार में आ सकता है वो आ गया। क्या, जो अच्छा आपको मिला उसको बांटिए। खाने क्या बांटना है, जो बेनिफिट वेस्टेज में आके आपको मिल रहा है वही सुविधा बांटिए, तो आपका 10 तरह का इनकम आ गया। पहला इनकम क्या है, सेविंग ऑन कंजम्पशन, माने जो आप व्यवहार करते हैं। मान लीजिए 1000 का सामान आप लिए तो आपको 10 से 20% माने 900 से 800 रुपए दीजिएगा तो 100 से 200 रुपए बचा। इकोनॉमिक्स क्या कहता है, मनी सेव दिस मनी अर्न, तो आपका जो खर्चा हो रहा है वो 100-200 रुपए बच गया, तो आपका अर्निंग में ऐड हुआ ना। दूसरा इनकम इसको समझ लीजिए, बाकी इनकम तो ऑटोमेटिक है, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%। क्या परफॉर्म कीजिएगा कि आपका बोनस मिलेगा। आप यहाँ जो भी खरीदिए हर 30 रुपए में एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या करेगा आपको 5 से 11% में लेके जाएगा, 5 से 11% में लेके जाएगा, जो परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो कौन है 5%, कौन है 11%, नीचे मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पे
एक पॉइंट वैल्यू से 599 तक 5% है, 600 से 2399 तक आपका 8% है, 2400 से 5799 तक 10% है, और 5500 जब हो जाता है तो आपका हो जाता है 11%। कैसे पहुंचेगा 30 रुपए में वैल्यू, तो 5500, 1,65,000, देखिए कितना आसान है। आप आए, आप कंसिस्टेंसी में खरीदेगा ना, क्योंकि आपका 50% बच जाएगा, 10 ways ऑफ इनकम आ रहा है आपके पास। तो जिनको आप बांट रहे हैं, सब सकता है, मगर हिसाब के सुविधे के लिए पकड़ लेते हैं कि 100 PV करके खरीदा, तो सब 100-100 मिला, सबको 100-100 मिला, मगर एक्युमुलेटिव ये जोक होता जाएगा, ये 6 जन का 600 और आपका एक साथ 700 पॉइंट हो जाएगा, आपको एक्युमुलेट कर जाएगा, तो 800 हो जाता है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट आप 8% में पहुंच गए, है ना। फिर अगला महीना, और कुछ आदमी आया, और कुछ परिवार आपसे जुड़ा, मान लीजिए और 13 परिवार जुड़ा, तो पहले 7 था, 13, 20, 100 पॉइंट वैल्यू करके, मैंने 3000+ सामान खरीदा, तो 2000 आपको सब तो जुड़ेगा ना, तो 2000 होता है, तो आप देखिए 8% नहीं, ये भी एक्युमुलेटिव, मैंने पिछले महीने के ऊपर बोनस दे दिया 8%, 8% बोनस दे दिया, मगर पिछले महीने का पॉइंट वैल्यू जमा रहेगा, वो ऐड होके 2700 आपका, ऐड होके 2700 10%। जितना पॉइंट वैल्यू होता है वेस्टेज में, पॉइंट वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, आप 8% में थे, तो जितना पॉइंट वैल्यू होता है वेस्टेज में, हर एक पॉइंट में, अब इंडिया हिंदुस्तान से जो पॉइंट वैल्यू लेते हैं वो 18 से गुना कर लीजिए, वो रुपीस आपका अकाउंट में आएगा। हम तो पॉइंट नहीं लेंगे, पैसा लेना है ना, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जितना जिस लेवल में वेस्टेज में जिस तरह का आपका पॉइंट आता है उसका 18 से गुना कर लीजिए, उतना अमाउंट आपका घर में आएगा। तो 10% अगर होता है, परसेंट माने जो जिस लेवल में हो, जितना पॉइंट होता है, जो पॉइंट आपको आया उस पॉइंट के ऊपर इनटू 18 कर लीजिए, वो रुपीस आपका अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर अगला महीना और कुछ जुड़ा, परिवार जुड़ा, तो मान लीजिए 10 जुड़ जाता है, तो 3000, ये भी जिंदगी भर ऐड, खाली पिछले महीना नहीं, जिंदगी भर ऐड होता जाएगा, 2700 सा ऐड होके 5700 हो जाएगा, तो आप 11% में पहुंच गए, खाली 11% आपका, क्यों 11%, 5500 क्रॉस कर गया, और यहीं पे आपको एक डेजिग्नेशन आता है, वो है ब्रांच डायरेक्टर। जब 11% क्रॉस कर जाते हैं तो आपका डेजिग्नेशन देता है, दिया जाता है ब्रांच डायरेक्टर, खाली डेजिग्नेशन नहीं, तीसरा इनकम आ जाता है आपका, डायरेक्टर बोनस 4% कंपनी का टर्नओवर का, कंपनी का जितना ग्लोबल टर्नओवर हो रहा है उसका 4%। मान ली का पिछला महीना 300 करोड़ टर्नओवर हुआ, तो उसका 4% हटाया जाएगा, आपका जितना पॉइंट वैल्यू हो रहा है वो हिसाब से। अगर आप अकेले ब्रांच डायरेक्टर होते तो पूरा पैसा आपको दिया जाता, नहीं, जितना बहुत सारा ब्रांच डायरेक्टर होगा तो सबका ग्रुप पॉइंट वैल्यू उस महीना, थर्ड महीना आपका कितना हुआ ब्रांच डायरेक्टर महीना है, या जिस महीना मेंटेन कर रहे हैं 3000 हुआ है ना, तो 3000 जब होता है इस 3000 ग्रुप पॉइंट वैल्यू हिसाब के, आपका वो जो 4% जितना अमाउंट होता है डायरेक्टर बोनस, उसका हिस्सा आपको दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा, जो जिस महीना ब्रांच डायरेक्टर है या ब्रांच डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, वो अगर 2600+ पॉइंट वैल्यू होता है, आपका कितना हुआ है 3000, आपका तो 3000 हुआ ना, तो ये सब 2600+ पीवी का टर्नओवर करे, टर्नओवर मतलब पीवी होगा ग्रुप पॉइंट वैल्यू, माने पूरा टीम मिलके खरीदारी होगा उस पॉइंट वैल्यू, उसको 3% टीम बिल्डिंग बोनस दिया जाएगा। देखिए खर्चा से क्या हुआ, एक कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर, माने हिस्सेदारी आपको मिल गया 4% 7%। और अगला महीना या और एक महीना बाद जो आपका एक दोस्त आया था आपको, आपको देख के, या आपको जो रिलेटिव आया था, उसका भी धीरे धीरे 11% होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबका ऐड हो रहा है, खाली आपका नहीं। जब एक फ्रंटलाइन आपको जिस परिवार को आप बोले थे वो ब्रांच डायरेक्टर होता है, माने आप एक रिश्तेदार को, आप एक दोस्त को, आप एक पड़ोसी को, क्या किए आप,
उसका खर्चे से कंपनी का टर्नओवर का इनकम दिलाया, डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, तो आपको मिला एक डेजिग्नेशन सिल्वर डायरेक्टर। साथ में क्या हुआ, आपका परसेंट बिजनेस बिल्डिंग बोनस, 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस बने। अभी कंपनी का 14%, कंपनी का जितना टर्नओवर उसका 14% हटाया जाएगा बिजनेस बिल्डिंग बोनस रूप में। आप और जितना सारा ऊपर है सबको सिल्वर डायरेक्टर पॉइंट वैल्यू हिसाब के, माने आपका जितना था और ये तो ब्रोंज ज्यादा ग्रुप पॉइंट वैल्यू ना, एक ब्रोंज डायरेक्टर बना और साथ में जितना है सब ग्रुप पॉइंट वैल्यू के बिजनेस बिल्डिंग बोनस। और जो बना है ब्रोंज डायरेक्टर उसको छोड़ के, उनको छोड़ के अगर आप बाकी जो है बाकी जितना से है सारा है और आपका खरीद और आपका लेके जितना पॉइंट होता है अगर 2100 होता है, जो ब्रोंज जो दोस्त आपका ब्रोंज डायरेक्टर बना उसको छोड़ के जितना सारा है और आपका लेके 2100 होता है, तो आप सिल्वर डायरेक्टर होके भी टीम बिल्डिंग बोनस का हिस्सेदार बन सकते हैं। और एक काम कीजिए कि आपका जो दोस्त ब्रोंज डायरेक्टर बना उसको और कोऑपरेट कीजिए और मदद कीजिए, वो उसका पॉइंट वैल्यू और बढ़े, क्योंकि उसका पॉइंट वैल्यू जितना बढ़ेगा उसका डायरेक्टर बोनस बढ़ेगा, टीम बिल्डिंग बोनस बढ़ेगा और आपका क्या होगा 5625 एक महीने में उसको करेगा, ऐसा ताकत कर दीजिए तो आपका मिलेगा छठा इनकम लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15% कंपनी का टर्नओवर का। जितना मदद कीजिएगा उतना आपका इनकम बढ़ता जाएगा। दूसरा एक दोस्त बना वो ब्रोंज डायरेक्टर, तो क्या होगा उसको भी वो डायरेक्टर बोनस टीम बिल्डिंग बोनस मिला और आप हो जाइएगा गोल्ड डायरेक्टर। जब गोल्ड डायरेक्टर हो जाते हैं दोनों का पॉइंट वैल्यू और जितना सारा है सबका पॉइंट वैल्यू लेके आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलेगा, साथ में आपका सातवां इनकम मिलेगा ट्रैवल फंड। क्या है ट्रैवल फंड, ये आप परिवार लेके विदेश घूमिएगा, परिवार लेके विदेश घूमिएगा, इसके लिए कंपनी एक फंड जमा करेगा। ये फंड कैसे यूज होगा, जैसा आप चाहिएगा वैसे यूज होगा, माने आपका जब चाहत है और कंपनी ट्रिप ऐलान किया वो हिसाब से आप ये इसको यूज कीजिए। और क्या है, जो दोनों दोस्त आपका ब्रोंज डायरेक्टर बना इनको छोड़ के जो और जितना सारा है और आपका खुद लेके आप क्या कीजिए 1800 पीवी कीजिए, खाली 1800 पीवी कीजिए, तो आपको भी वो टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा 3%। कितना सारा इनकम देखिए, टीम बिल्डिंग बोनस मिला, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिला, लीडरशिप वर्डिंग बोनस मिला, ट्रैवल फंड। अरे और एक काम कीजिए और एक को बढ़ाइए 11% हो जाए और एक दोस्त, तो आप हो जाते हैं ना स्टार डायरेक्टर। जब स्टार डायरेक्टर होते हैं तीनों का पॉइंट वैल्यू और जितना सारा है सब पॉइंट वैल्यू लेके बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप वर्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड और आपका सपना का गाड़ी, उस गाड़ी कार फंड आता है गाड़ी के लिए, जब तक गाड़ी नहीं खरीद रहे तो ये कार फंड जमेगा 5% कंपनी का टर्नओवर का। जब गाड़ी खरीद रहे हैं जिस महीने खरीद लिएगा उसका बाद से आपके अकाउंट में ये 5% जो है इनकम कार फंड का हिसाब आपका अकाउंट से दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद के आपका क्या करना है, कार को ईएमआई देना है, फ्यूल खरीदना है, ड्राइवर का तनख्वाह देना है। ये 80,000 रुपया महीने का देगा, 80,000 रुपया महीने का देगा। कितना दिन देगा पूरा इनकम, 3 जनरेशन। मगर मेरे लेके बोल रहा हूँ, मैं मर जाऊं फिर बीबी पहला जनरेशन, उसके बाद मेरा बच्चा का बच्चा उसको मिलता जाएगा ये पूरा इनकम। और एक दोस्त बना और एक चार या पांच, तीन था और एक और दो होता है तो आप हो जाते हैं डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर में मजा क्या देखिए, पांचों का ग्रुप पॉइंट वैल्यू और जितना सारा है सब लेके टीम बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप वर्डिंग बोनस, ट्रैवल फॉर कार फंड मिलेगा और दुनिया भर में आपको पहचान दिया जाएगा। वेस्टीज बिजनेस मैगजीन बॉयज उसमें आपका तस्वीर और आपका ये सफलता का जर्नी लिख के पूरा हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। प्लस वेस्टीज का जितना सारा ब्रांच ऑफिस है उसमें एक डायमंड रूम है, उस डायमंड रूम आपके लिए बुक किया जाएगा। आप जब चाहिएगा वहां जाके आप अपना रिकॉग्निशन, माने वहीं पे आपका अपना टीम लेके या कुछ डेवलपमेंट वो चेंबर आप यूज कर सकते हैं। और एक आदमी कर लीजिए खाली छठा जो होता है,
तो छठा आदमी जब छठा परिवार जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है तो आप हो जाते हैं क्राउन डायरेक्टर। जब क्राउन डायरेक्टर होते हैं छह जन का ग्रुप पॉइंट वैल्यू और जितना सारा है सब लेके बिजनेस बिल्डिंग बोनस लीडरशिप वर्डिंग बोनस ट्रैवल फंड कार फंड मिलता है समय नवा इनकम हाउस फंड 3% कंपनी का टर्नओवर आता है। आपका बड़ा घर है उसको बड़ा कर लीजिए या नया घर खरीदना है 1,00,000 रुपया महीना मैक्सिमम 1,00,000 रुपया महीना आपको दिया जाएगा कितना दिन 3 जनरेशन तक। और 7 और 8 कर लीजिए और 2, 7, 8 एक 6 था और 2, 8 आप हो जाते यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। 8 जन का पॉइंट वैल्यू लेके आपको सब तो ग्रुप पॉइंट वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा ना बिजनेस बिल्डिंग बोनस लीडरशिप वर्डिंग बोनस ट्रैवल फंड कार फंड हाउस फंड तो इतना बड़ा रकम आएगा कि आप और आम नहीं रहिएगा आप एलीट हो जाइएगा। तो आपका क्लास मेंटेन करने के लिए आपको दिया जाएगा एलीट क्लब बोनस 2% कंपनी का टर्नओवर का वो मैक्सिमम लिमिट है 20,00,000 रुपया महीना। ये 10 तरह का इनकम क्या है जो खुशी आपको मिला ये खुशी बांटने के लिए। और एक बताते हैं नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हम लोग बहुत महंगा महंगा चीज समझते हैं ये महंगा है ये एक्सपेंसिव है नहीं अगर आपका सही अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं ना तो ये होता है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। ऊपर वाले ने मौका दिया मुझे बताने के लिए और आप सुने हैं ये अपॉर्चुनिटी इसको मिस मत कीजिए क्योंकि ये जिंदगी में यूज करना है इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट और वो भी 50% डिस्काउंट में है और ये बांटने से 10 तरह का इनकम आ सकता है। ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर देंगे तो क्या होगा ये एक्सपेंसिव हो जा सकता है। शेयर अगर देखिए शेयर हम जिस मन से या हर वेस्टिजियन जो एसोसिएशन आपको मिलना है जो जिस मन से आपको शेयर करेगा क्या है नेल्सन मंडेला जी क्या क्या है इफ यू वांट द कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन अराउंड यू यू मस्ट मेक देम फील दे आर इंपॉर्टेंट। मैं आपको इंपॉर्टेंट मानता हूं जिन्होंने आपको बुलाया आपको इंपॉर्टेंट मानते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास एंड यू डू दैट बाई जेन्युइन एंड हम्बल। मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि मेरा जिंदगी बदला आपका जिंदगी बदलेगा ये मेरा कहावत नहीं है तो शेयर इस ढंग से मैं कर रहा हूं और आप सोचते हैं ये छोटा सा एक स्टेप जिंदगी बदल देगा। हाँ स्मॉल स्टेप इन राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। ये छोटा सा परिवर्तन आपका जिंदगी बड़ा परिवर्तन ला सकता है क्योंकि ये जो एसोसिएशन मिल रहा है जहां आप आज आए हैं ग्रॉस टीम विक्ट्री में प्रवीर रॉय सर 7 लाख में पहुंच गए तो 20 लाख का काम करें 20 लाख का बताते हैं 30 लाख का बताते हैं ये एसोसिएशन आपको आगे लेके जाएगा क्योंकि ये एसोसिएशन आपका परिवार का गुड हेल्थ के बारे में कहता है आपका परिवार फिनेंशियल फ्रीडम हो जाए इसके बारे में कहता है ये टाइम फ्रीडम माने आपका जिंदगी आप जिए इसके बारे में ये एसोसिएशन कहता है आप खाली देश नहीं विदेश घूमिए ऐसा ऊंचा सोच रखने वाला ये एसोसिएशन आपका खाली 4 चक्का ना हो लग्जरियस कार हो ये एसोसिएशन कहता है आपका एक बढ़िया सा होम हो ये एसोसिएशन कहता है आपको खाली हिंदुस्तान नहीं दुनिया में आपको रिकॉग्निशन मिले ये एसोसिएशन आपको कहता है। आपको ये काला दरवाजा दिख रहा है ना जोर से सब कीजिए बाहर में बहुत सारा सुनते हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग लेके इसको आप आए ना तो कैसा लग रहा है ये काला दर्जा नहीं है गोल्डन दर्जा है सोने का दर्जा है और इसको धक्का देके अंदर आइए तो देखिएगा सुनहरा जिंदगी आपके लिए है। नेटवर्क काला नहीं अरे भाई आपको आज मौका मिल रहा क्या मौका मिल रहा है आज खाली जैसा खर्च कर रहे थे दुकान में जाके आप फैक्ट्री में मतलब कंपनी जाके खर्च कर रहे हैं तो क्या हुआ कंपनी ने आपको अपना नेटवर्क 3,000+ ब्रांच ऑफिस एंड 48 रीजनल ऑफिस का हिस्सेदार आपको बना दिया ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे दिया ये नेटवर्क आपको दे दिया है। हम कहते हैं नेटवर्क बनाना पड़ेगा अरे भाई आप पहले तो आपको नेटवर्क मिल रहा है
खाली आप इसको बांटिए इस नेटवर्क को, जो नेटवर्क आपको मिला, इस नेटवर्क में जो एसोसिएशन मिला, इस नेटवर्क में जो एसोसिएशन के जरिए जो कल्चर आपको मिलेगा, इसको बांटिए खाली, तो क्या होगा, तो क्या होगा, राइट एसोसिएशन में आइएगा, जिंदगी बदलेगा, जो जिंदगी हमने सोचा था ना, ऐसा वाला जिंदगी, रिलैक्स्ड लाइफ, ऐसा वाला जिंदगी हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि सुकून का जिंदगी, क्यों, फैमिली का हेल्थ स्ट्रांग रहेगा, फैमिली का इनकम स्ट्रांग रहेगा, और एक सही एसोसिएशन आपका साथ है तो जिंदगी सुनहरा बनेगा ही बनेगा। तो ऊपर वाला को धन्यवाद करते हैं, इतना बड़ा मौका मुझे मिला और ये मौका आपको बताने के लिए, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू प्रवीण। सुपर, क्या बताए, लास्ट में तो जो क्लोजिंग किया ना,